कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रथम बार अल्पप्रवास पर पोलायकलां और एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री हाट पिपलिया के पूर्व विधायक दीपक जोशी ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान को कुर्ता पायजामा भी हम दिला कर लाते थे। मैंने छात्र नेता के रूप में काम किया है। अपने आप को किसान हितेशी बताने वाले शिवराज सिंह चौहान लॉ इन ऑर्डर के तहत काम करते हैं। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है और भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए कमाए हैं। भ्रष्टाचार से कमाए करोड़ों रुपए से अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का कोडवर्ड बना रखा है, ला इन ऑर्डर का मतलब रहता है कि इधर पैसे लेकर आ और उधर ऑर्डर ले जा। तभी तो भाजपा के नेता बंगले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैंने मेरे पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को आज भी कायम रखा और मंत्री पद पर रहते हुए ईमानदारी नहीं छोड़ी, वरना मैं भी बड़े बड़े बंगलों में रहता। जिस भाजपा को जनसंघ के ज़माने में मेरे पिता द्वारा सींचा गया और सब कुछ समर्पित कर दिया, वहाँ पार्टी मेरे पिता के सम्मान के लिए एक स्मारक तक नहीं बना सकी, परंतु कमलनाथ जी ने जमीन देकर यह कर दिखाया। मैं सही जगह आया हूँ, कांग्रेस में एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर काम करूँगा और पार्टी जहाँ भी दायित्व देगी उस दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करूँगा। गुटबाजी के सवाल पर बोले, कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो बीजेपी में है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों में खुद बातचीत का समन्वय तक नहीं है। सिंधिया के आने के बाद पार्टी के कई बड़े गुटों में बढ़ चुकी है। अब भाजपा को निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है, वह तो सिर्फ चापलूसी व भ्रष्टाचार करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी बन चुकी है। मुझे कोई पद पाने की लालसा नहीं है, मेरे पिता के आत्मसम्मान के लिए पार्टी छोड़ी है। अन्नदाता किसानों की हालत बद से बदतर कर दी गई है, महंगाई चरम पर है, युवा रोजगार मांग रहा है, परंतु इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। देखिए, राजनीति में अपनी बातें करना या अपनी तरफ से कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन व्यक्ति के क्रियाकलाप उसे बताते हैं। कमलनाथ जी पूंजीपति थे, उनके पिताजी उद्योगपति थे, तो आज वो उद्योगपति और पूंजीपति कहलाए जा सकते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो खुद उनकी जमीन के बारे में, उनकी जायदाद के बारे में पता कर लेना, आज वो शिवराज सिंह चौहान मैं सालीग्राम जी की पुण्य भूमि पे बैठा हूँ और पुण्य भूमि पे मैं दावे से कह सकता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ये नहीं कह सकते कि मैंने डंडी नहीं मारी। आज डंडी नहीं मारे होते तो मेरे ख्याल से जो उनका बजट में रहता है, मेरे पिताजी तो 9 लाख की संपत्ति नहीं छोड़ के गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिनके पास कुछ नहीं था, अभी उन्होंने जो चुनाव का लास्ट फाइल इनकम फाइल किया उसमें 7.5 करोड़ रुपये अपनी इनकम दिखाई, 7.5 करोड़ बिना उद्योग लगाए बुरा धंधा लगाए। क्या एक किसान है, आप सब किसान हो, अंगूर की खेती से 30 लाख का फायदा हो जाएगा, और ये तो संतरे का बहुत बड़ा सेंटर रहा, किसी किसान को एकदम इतना फायदा हुआ कि करोड़पति बन गया। आप खुद सोचते हो, और आपके बड़े बड़े किसान होंगे, तो 5 बीघा के किसान थे। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ जनता के बीच जो एक ब्रांडिंग करके अपने आप को बताने की बात की जा रही है कि मैं पीड़ाहारी हूँ, दुखहारी हूँ, अरे तुम पीड़ाहारी नहीं, तुम पीड़ा देने वाले हो, दुख देने वाले हो। इसलिए जनता हम क्यों नामकरण करें, जनता स्वयं इस चीज़ का नामकरण करेगी। पोलायकलां से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।